दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। और आज डॉबरमैन सीरीज़ का स्टार्टिंग पहली वीडियो है, तो मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें कि आज डे फर्स्ट है। तो इनके जो ऑनर हैं मिस्टर भट्ट, तो इनसे हम आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको जो सॉल्यूशन चाहिए वो मैं बताऊँगा कि आने वाले टाइम में क्या क्या सिखाने वाले हैं। ये प्रॉब्लम जो मुझे बता रहे हैं मैं उनके सॉल्यूशन देता रहूँगा। तो वीडियो अब से स्टार्ट हो रही है और जब तक सीरीज़ का एंड होगा तब तक आप प्रॉपर देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाली है। अदरवाइज बीच में अगर कुछ भी स्किप करेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और बीच बीच में मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम में आने वाली है। कमांड सिखाना एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारी कमांड्स की वीडियो कम से कम 125 वीडियो करीब मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने को मिल जाएंगी, नई नई कमांड्स, नई नई ट्रिक्स। बट जो बिहेवियर होता है एक ना, तो आपको वो समझ में आएगा पूरी सीरीज़ को समझने से। हर डॉग का एक अलग बिहेवियर होता है, कॉमनली बिहेवियर सेम होता है डॉग का, बट ब्रीड के हिसाब से जो स्पेसिफिक जो उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको सॉल्व करने को इसमें सॉल्व की जाएंगी, तो वो चीज़ें उनके सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो ये आपकी जो डॉबरमैन है उसका नाम जो बताया आपने, ये श्रेया है, ये ड्यूक है और ये है श्रेया। तो इनकी ट्रेनिंग होने वाली है सीरीज में, तो इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो ज़रा आप मुझे बताइए। बात नहीं सुनते हैं, अटेंटिव तो है, ये बात तो सुनते हैं लेकिन अपने काम में लगे रहते हैं। देखिए वो अपने ही शैतानी में लगी हुई है, आप कुछ भी कहते रहो उनको मतलब नहीं रहता है। और डिस्ट्रक्टिव तो नहीं कह सकते नेचर में, लेकिन नॉटी है थोड़ी। ओके, नॉटी, ये देखिए कोई भी ब्रीड है नॉटी तो ठीक है, ये चीज़ तो बंद हो जाएगी जैसे जैसे ये ओबीडियंट होंगे, आगे इनको कमांड सिखाई जाएंगी और इनको बताया जाएगा क्या बैड है क्या राइट है, सारी चीज़ें जब हम लोग बताएंगे आगे अगर तो उनको समझ में आ जाएगा ये बच्चे की तरह है, तो इसका बिहेवियर जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। तो धीरे धीरे और भी क्या आपको लगता है कैसा आपको डॉग अपना चाहिए, किस तरीके का आप डॉग चाह रहे हो अपने घर में कि ट्रेन होने के बाद मेरा डॉग ऐसा दिखे? थोड़ा सा बिल्ट अच्छी हो, मसली डॉग हो, मतलब उसके लिए अच्छी बॉडी हो। बिहेवियर में ओबीडियंस चाहिए कि कहो बैठ जाओ तो सेट हो जाए। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा अच्छा ट्रेन हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अपने कमांड फॉलो करें, जस्ट कमांड फॉलो करें। आप चल रहे हो तो फिर लगे हाँ भाई देखिए मैंने डॉग है, और आप कहीं पे जा रहे हो आपको ऐसा ना लगे आपको देख के लोग आपके डॉग को देख के और आपके साथ जब चल रहा है तो इम्प्रेस हो जाए यार मुझे भी डॉग रखना है, इतना ओरिजिनल डॉग है इस तरीके का डॉग। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में यही चीज़ इस सीरीज़ में पूरी में बताने की कि आपके अकॉर्डिंग जो आप चाह रहे हो कि डॉग आपका वैसा बन जाए। अभी इतने शैतान डॉग हैं फिलहाल तो बैठा हुआ है बहुत मज़े से, जितने ये मासूम लगते हैं होते भी हैं मगर स्टार्टिंग में क्या बचपन होता है शैतानी होती है, तो इनको ये खेलने के लिए पूरा ग्राउंड है इनका, तो यहाँ खेलते रहते हैं दूसरे के साथ छुप के, वो देखिए नीचे के चले गए वो। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये बहुत लविंग ब्रीड होती है, तो इसका मेन नेचर क्या होता है, बहुत थोड़े से ऐसे स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत ज़्यादा जैसे साई टाइप के डॉग हैं, कम बात करेंगे, भौंकते बहुत कम है। हालांकि डॉबरमैन बहुत ज़्यादा बदनाम है इस चीज़ को लेके कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बट क्या है ना जब ये स्टार्टिंग में लेके आओगे ना तो एक बार आपने डांट दिया कुछ किया इसका नेचर दब गया तो आपको 2-3 महीने तो ये लगेगा कि ये ब्रीड भौंकती बहुत कम है। ठीक है, जब 3-4 महीने आपके गुजरते हैं तो धीरे 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 ये भौंकना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डर डर के भौंकते हैं, और जब इनका थोड़ा डर निकल जाता है तो इससे ज़्यादा ब्रेव ब्रीड आपको कुछ नहीं मिलेगी। आपको कितना भी इसको मारें कुछ भी करें ये पीछे नहीं हटते हैं डॉग, ये डरने वाली ब्रीड नहीं है और इसको एक एक्सट्रीम लेवल तक गार्ड के लिए एज अ गार्ड ट्रेन किया जा सकता है। तो मोस्टली ये बर्किंग डॉग्स में आते हैं, जैसे पुलिस डॉग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ही है, पुलिस डॉग के रूप में भी इनको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ होते ही हैं ज़्यादातर, इंडियन आर्मी डॉग्स में भी यूज़ होते हैं, पुलिस डॉग्स में भी यूज़ होते हैं, तो इनको इसलिए यूज़ करते हैं। इनका मेन रीज़न है जैसे एक तो इनका मेंटेनेंस काम है, ठीक है, मेंटेनेंस से मतलब है इनको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, डेली ग्रूम नहीं करना है, स्मूथ पर होता है तो वो केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलती है रखने में और इसका खर्चा इतना कम आता है, डाइट भी बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है और वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर कराया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेन चीज़ ये जो डॉग होते हैं इनका जो एक और नेचर होता है कि कभी किसी को जैसे भरोसा नहीं करते लोगों के ऊपर जल्दी से, अगर आपको नया कोई आएगा तो आप देखेंगे थोड़ा दूरी बना के रखेंगे उससे ये और जल्दी से उसके हाथ में नहीं आएंगे, अगर एक बार किसी ने कुछ कोशिश की पकड़ने की तो उसे दूर जाएंगे, तो इसका नेचर होता है थोड़ा सा इस तरीके का कि भरोसा नहीं करता है किसी पे जल्दी, और एक बार जिस पर भरोसा कर लेता है तो उसकी बातें बहुत अच्छे से सुनेगा। तो मेन चीज़ आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है, जब आपको अच्छे से भरोसा आपको और अपने अपने डॉग के ऊपर और आपके डॉग को आपके ऊपर जब भरोसा हो जाएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और डॉग ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं होता है। मेन चीज़ कि एक ऑनर से अच्छा ट्रेनर डॉग के लिए हो ही नहीं सकता, मेरा यही एक मेन मैसेज भी रहता है कि आप अगर सिखा रहे हो तो कोशिश करें कि खुद से सिखाएं,
और वीडियोस में मैं इतना कुछ डाल देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको कोई ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आप ये भैया सिखा रहे हैं और ये अगर सर सिखाने के बाद अपने डॉग को क्या करेंगे, अगर आगे खुद ही फॉलो करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें कि मेरी ट्रेनिंग के बाद भी मैं इनको इतनी चीज़ें बता दूंगा कि खुद ही फॉलो करते रहेंगे तो डॉग की ट्रेनिंग रुकती नहीं है कभी भी। आप जितना चाहें उसको सिखा सकते हो, जैसे आपका माइंड डेवलप होता रहता है डॉग का भी होता रहता है। बट एक नई चीज़ सिखाने के लिए और ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एज होती है, वो कि अगर आप 1.5 साल के अंदर अपने डॉग को ट्रेन कर लेते हो तो ये बेहतर रहता है। और मिनिमम एज जो होती है डॉग की 2 महीने से स्टार्ट कर देता है सीखना, पप तो 1 महीने का भी स्टार्ट कर देता है सीखना। बट क्या है वो एक अलग केस होता है, बट नॉर्मली अगर आप सुपोर्टिव ट्रेनिंग को 1 महीने से जन्म से ही जानते हैं, जहाँ बैठते हैं वो नहीं करते हैं, बट उसी चीज़ को एक ट्रेनिंग फॉर्म में लाया जाता है। उसके लिए मैंने वीडियोज़ डाल रखी हैं अलग से, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो और एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा इस चीज़ पे। तो मेन कॉमन प्रॉब्लम रहती है ये, देखिए इनका जो खेल भी होता है इस तरीके का ना, एक दो डॉग रख रहे हैं आपको ये भी बेनिफिट मिलते हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होगा इनके साथ। अगर आप एक डॉग रखोगे तो आपको उसके साथ खेलना होगा, दो में क्या आपस में बिजी रहते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं आपको कि खाने के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है और इनको छोड़ दिया। तो बाकी नेचर के बारे में कुछ चीज़ें मैंने जो नॉर्मल बताया, जो नेचर बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये ट्रस्ट जल्दी से नहीं करता, और एक बार अगर अच्छी तरीके से खुल जाता है इसका नेचर अच्छी तरीके से तो किसी से डरते नहीं है, तो ये अल्टीमेट गार्ड हो जाते हैं। और इनकी मतलब स्नीफिंग डॉग की तरह इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, सबसे अच्छे स्नीफर डॉग साबित हो सकते हैं अगर इनको अच्छे से ट्रेन किया जाए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट कोई नहीं, फिर इनके लिए भी कुछ छोड़ देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। बाकी चीज़ें कमांड से सिखाऊंगा और भी बिहेवियर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, बट जो बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दी है। और आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन सिखाना चाहते हो हमसे तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उन पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज की डिटेल्स भेज दूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।